लाल एक पेशेवर मुजरिम है, लिहाजा यह अदालत रतन उर्फ जयंती लाल को मुजरिम करार देते हुए इसे ताजीरात हिंद की दफा 302, 304 और 306 के तहत फांसी की सजा का हुक्म सुनाती है। हैंग टिल डेथ। नर्स जल्दी करो, सब ठीक होगा गीता, सब ठीक होगा। चलो भाई, चलो चलो चलो। आप लोग यहीं रुकिए। नर्स क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मुबारक हो सर, आपकी पत्नी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। क्या? मुबारक हो। डबल बच्चे, डबल मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। नर्स मैं अंदर जा सकता हूँ? यस सर। थैंक यू। गीता तुम ठीक तो हो ना? जी। मुबारक हो गीता। आपको भी मुबारक हो। डॉक्टर ये बैंडेज क्यों है? ये दोनों बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए हमें ऑपरेशन करके इन्हें अलग करना पड़ा। ऑपरेशन? कोई खतरा तो नहीं है ना? नो, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, पर हाँ इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्स एक्शन होगा। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, ये देखिए। मतलब अगर एक को चोट लगेगी तो वही चोट दूसरा भी महसूस करेगा? हाँ, एक हंसेगा तो दूसरा भी हंसेगा, और एक को भूख लगेगी तो दूसरे को भी भूख लगेगी। सर। यस। रतन का ऑपरेशन खत्म हो गया। ठीक है, उसे सेंट्रल जेल ले जाओ। ओके सर। कितने प्यारे बच्चे हैं। अरे बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे। नहीं, लगते तो आप ही की तरह हैं। अरे नहीं, लगते तो तुम्हारे ही जैसे हैं। मल्होत्रा, राजन। नहीं, नहीं, छोड़ दो। रतन मेरे बच्चे को छोड़ दे। मल्होत्रा, रुक जा, तेरे इस बेटे का टेटुआ दबा दूंगा, रुक जा। रतन तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मेरा बच्चा छोड़ दे। रतन मेरा बच्चा वापस कर दे। रतन रतन पागल मत बन। रतन नर्स, नर्स, नर्स इसे रखो, डॉक्टर गीता को संभालो। कम ऑन, लेट्स गो।
रतन बापू, बेटे, बेटे, रतन मेरे भाई, अरे तू यहाँ कैसे आया? ये वक्त बातों में जाया करने का नहीं। एसीपी मल्होत्रा मेरा पीछा कर रहा है, वो यहाँ आने से पहले हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो और खुद को सरेंडर कर दो। नहीं बेटे बापू, तू बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। नहीं बापू, मैं आपको छोड़ के ले जाऊंगा बापू। जिद नहीं करते बेटे, नहीं, तुझे जिंदा रहना होगा, अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मेरा क्रिया कर्म उस दिन करना जिस दिन तू अपने बाप के हत्यारे उस मल्होत्रा को मौत के घाट उतार देगा। बेटे मुझे वचन दे, तू उसे मार डालेगा, मुझे वचन दे। बाबू मैं आपको वचन देता हूँ बाबू, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल तुझे जाना होगा, अपने बाप की मौत का बदला कैसे लेगा जब तक जिंदा नहीं रहेगा। चल शर्मा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि जिंदगी भर ये इसी हालत में रहेगी। नहीं यार, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो सके। देख, अमेरिका में एक डॉक्टर मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। तू भाभी को वहां लेकर जा, जहां तक कारोबार का ताल्लुक है वो मैं संभालूंगा, तो फिक्र मत कर। जा, शाबाश। शिव शिव, मंदिर ना हुआ, अनाथालय हो गया, बच्चे पैदा करते और यही छोड़ जाते। अबे ओ पंडित, रोती हुई बच्ची को देख तो सकता है, उठा के चुप नहीं कर सकता क्या? तेरे सीने में इतना ही दर्द हो रहा है तो तू ही चुप करवा ले। अबे है ना, चुप हो जा। देख, तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, तो इस नाते से तू मेरी बहन मानी गई। चल मैं तुझे पालता हूँ। अबे राजा, खुद को तो पाल ले, फिर दुनिया की सोचना। अबे तेरे से भीख तो नहीं मांग रहा हूँ ना, तुझे भूख लगी है ना? चल मैं तुझे दूध पिलाता हूँ। टिकी टिकी टिकी, ए भाई दूध देना। पैसे देना? पैसे बाद में ले लेना, दूध भी तू बाद में लेना। चल भागे से। अरे भाई साहब, दो पेप्सी देना। हाँ। मैं तेरे लिए दूध ले आया, अब हमारी बहन रानी दूध पिएगी। टिकी टिकी, अरे